सुप्रीम कोर्ट से एक फैसला आया है प्रमोशन में आरक्षण को लेकर, उसको कल बीजेपी के लोगों ने बहुत बवाल में उठी, थावरचंद गहलोत ने बयान जारी किया और कई सारे वकीलों से मेरी बात हुई। कल एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं नितिन मिश्राम और एक बड़े सीनियर पत्रकार हैं दिलीप, मतलब दोनों ने समझाया है कि किस तरह से गेंद को जो है बुरा सरकार के पाले में कर दिया गया है। एक जो बड़ी बात हुई है उसमें कि जो जनगणना जो आंकड़े जुटाने थे, जो फैक्ट लाने थे कि सामाजिक और आर्थिक विस्थापन क्या है, भागीदारी कितनी है जॉब में, मान ली कितने IAS है, कितने IPS है, उसकी काउंटिंग को लेकर भी थोड़ा सा नरम रूप है। एक मेरे साथ वकील हैं, समाज सेवी भी है और फाउंडेशन भी चलाते हैं, राजकुमार आनंद, जिनका आनंद पद फाउंडेशन भी है, वो वकील भी हैं पेशे से, अभी कर रहे हैं वकालत आप। नहीं, बहुत ज्यादा पेशे से नहीं, लेकिन तो ये आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस पर और अखबार सारे लेकर आए थे, क्या आपको कोई घाल में लग रहा है, क्या लग रहा है? घाल में नहीं, एक तो मैं मीडिया से सवाल करना चाहता हूँ कि किसी अखबार में कुछ दिया हुआ है, किसी में कुछ दिया हुआ है, किसी ने कोई एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, किसी ने कोई, जैसा कि आपने अभी बताया कि गहलोत साहब मिठाई बांट रहे हैं, थावरचंद मिठाई बांट रहे हैं, मिश्राम भाई जो हमारे हैं वो उसकी आलोचना कर रहे हैं, तो ये सब क्या है, एक ही फैसले पर इतने सारे कमेंट, आपको क्या लगता है? मुझे तो लगता है चुनावी झुंझुनाएं हैं। आपको अखबार में पत्रकारों की क्या गलती लगी, क्या क्या किस तरह की रिपोर्टिंग थी जिससे आपको शक पैदा हुआ? मतलब उन्होंने ये दिया कि, मतलब ये दिखाने की कोशिश की कि जी बहुत बड़ा उपहार मिल गया SC ST को, माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ा उपहार दे दिया, और निश्चित रूप से एक उपहार है, चुनावी साल है, 10% शहर डालकर एक पूरी और हमें निकला दी गई, 90% तो शहर है इसमें, तो लेकिन जहर भी है। तो बीजेपी पर भरोसा क्यों नहीं होता आप लोगों को, या आप लोग जानबूझ के उसके खिलाफ क्यों रहे? नहीं, बीजेपी पर भरोसा ना भरोसा की कोई बात नहीं है इसमें, बीजेपी को हम पर भरोसा नहीं है। क्यों? बीजेपी हमारा रिजर्वेशन बंद करना चाहती है, रिजर्वेशन मुझे नहीं चाहिए ना, मैंने कोई रिजर्वेशन लिया, मैंने पढ़ाई में लिया था, बच्चों ने भी नहीं लिया, सब फैद यहाँ जितने लोग बैठे हैं, 100 लोग बैठे हैं, इन्होंने किसी ने भी नहीं लिया। लेकिन बात तो ये है कि इंटीरियर में जो हमारे किसान भूमिहर मजदूर किसान हैं, उनके बच्चों को, उनकी महिलाओं को जमींदार मांस का टुकड़ा समझ के यूज करता है, उनके बच्चे जब तक नहीं पढ़ेंगे, जब तक हमें रिजर्वेशन चाहिए। रिजर्वेशन क्यों चाहिए? क्योंकि आज से 40 साल बाद देखिए केजरीवाल एक नया कॉन्सेप्ट लेकर आए जो जाति धर्म की राजनीति से अलग था, यह था गरीब और अमीर की राजनीति। अब आज से 40 साल बाद एक नया युग आएगा जिसमें लिटरेट और इलिटरेट ये कास्ट होगी, और जब लिटरेट और इलिटरेट की लड़ाई होगी उस दिन मुझे अपने समाज का हर बच्चा लिटरेट चाहिए, उसके लिए लड़ाई है हमारी, बीजेपी से कोई लड़ाई नहीं है, और उसके लिए मुझे रिजर्वेशन चाहिए। तो क्या मतलब इसमें आपको, आपका SC ST OBC के लोग लिटरेट ना हो, इसमें सबसे ज्यादा कौन टांगा रहते हुए दिख रहा है? हमारा रिजर्वेशन बंद कर दीजिएगा, हमारा प्रमोशन का कोटा बंद कर दीजिएगा, अब उसकी कोई डेटा कलेक्शन बंद कर दीजिएगा। अगर मेरे गाँव में, मेरे किसी जे के घर में एक AC देख लीजिएगा तो आ गया। आपको लगता है कि जो कास्ट कंसेंसस है, जातीय जनगणना है, उसको बंद करने की इस फैसले से कहीं बू आ रही है कि अब लोग जातीय जनगणना ही नहीं होगी? बिल्कुल परसेप्शन है, धीरे धीरे ये गोली बढ़ती जाएगी, इसमें जहर बढ़ता जाएगा, और ये एक दिन एक लाइन में ऐड करता हूँ, बीजेपी के नेता थे गोपीनाथ मुंडे, महाराष्ट्र से OBC के बड़े कद्दावर नेता थे, चीफ मिनिस्टर के कैंडिडेट थे, केंद्र में मंत्री बने, और उन्होंने बड़ी लड़ाई लड़ी थी मनमोहन सिंह जो प्रधानमंत्री थे, जातीय जनगणना हुई बहुत बेहतरीन तरीके से, लेकिन उसके आंकड़े जारी नहीं किए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला जो दिया है SC ST में प्रमोशन वाला बिल, उसमें कहा है कि अब काउंटिंग की कोई जरूरत नहीं, तो इससे क्या लगता है आपको कि एक वो बढ़ जाएगा, हमें पता ही नहीं चलेगा कि हमारी रियलिटी क्या है, हमारी वास्तविक स्थिति क्या है? हम लोग अगर आज आप मतगणना कराइएगा तो हम लोगों के नंबर्स बहुत ज्यादा बढ़ने वाले हैं, क्योंकि अब बाकी लोग जो मतलब नॉन SC हैं, ब्राह्मण हैं, बनिया हैं, जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, इसको कॉल्ड
उनको कहाँ इतना समय मिलता है अपने घर पे बिताने का। तो हमारे लोग तो पढ़ते ही जा रहे हैं, क्यों हमारा काउंटिंग होनी चाहिए, हमारे तो घर ही हमारा मनोरंजन का साधन है, आप समझ रहे हैं ना। काउंटिंग होनी चाहिए कि मतलब ये काउंटिंग होनी चाहिए, और इंडिया का कोई आदमी काउंटिंग नहीं करना चाहिए, विदेश से बुलाना चाहिए। हमारा देश बहुत अमीर है आज भी, इसमें करप्शन के लिए तो करोड़ों रुपया है हमारे पास, अरबों रुपया है, अरबों रुपया दे के लोगों को भगा दिया जाता है। ये एक आनंद बड़ी बात बता रहे हैं, कल से मैंने भी कई लोगों से बात की, मेरे भी दिमाग में आया था कि आखिर जातीय जनगणना से आपत्ति किसको है और क्यों नहीं लोग चाहते हैं। ओबीसी की भागीदारी बहुत कम है, 27% है, एससी एसटी की जनसंख्या बहुत बड़ी है, उनकी भागीदारी 70% पर तक सीमित है। तो ये एक आपको कॉन्स्पिरेसी लगता है कि हमारी जनगणना ही नहीं होगी, तुम्हारी भागीदारी एससी एसटी 40% हो जाएगी सर जिस दिन सही ढंग से कर दिया जाए। और ये संविधान में लिखा हुआ है, इसको तोड़ मोड़ के पेश किया जाता है कि 10 साल के लिए रिजर्वेशन है। डॉक्टर अम्बेडकर लिख कर गए हैं कि हर 10 साल बाद समीक्षा होनी चाहिए। उस समीक्षा का मतलब ये है कि हर 10 साल बाद पार्लियामेंट और लेजिस्लेचर, हर 10 साल बाद रिप्रेजेंटेशन कितनी है हमारी, उसके हिसाब से हमारा आरक्षण घटाया या बढ़ाया जाना चाहिए। कि अगर हम 40% हो गए आज तो 40% करना पड़ेगा। ये राजकुमार आनंद की ये बात बहुत शानदार है, उस पर कोई बहस नहीं कर रहा है, लोगों को लग रहा है कि कुछ छूट मिली है। इनकी माने तो एक बड़ी कॉन्स्पिरेसी दिख रही है कि अगर हमारी काउंटिंग ही नहीं होगी, जिस देश में सोचिए कि गाय की गिनती हो जा रही है, शेरों की गिनती हो जा रही है, गाय आदमी की गिनती नहीं हो रही है, क्या कहना चाह रहे बताइए। नहीं, गाय को तो आदमी से तोला जा रहा है हमारे देश में, गाय और आदमी में कोई फर्क ही नहीं समझा जा रहा। तो ये एक बड़ी बात सामने आ रही है जो मुझे भी कल कायदे से समझ में नहीं आया था, आज आनंद ने बड़ी बात कही है कि आखिर हमारी गिनती क्यों नहीं हो रही। और गिनती जो सैंपल था, जो सर्वे था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा कि प्लीज काउंटिंग मत कीजिए। अच्छा, 20 राज्यों में लगभग बीजेपी अलायंस की सरकार है, तो आपको लगता है कि चूंकि उन्होंने कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राज्य इसको इम्प्लीमेंट करे, तो उम्मीद है, भरोसा है कि इसको इम्प्लीमेंट करेंगे? बिल्कुल निश्चित करेंगे। लेकिन हमारा डर क्या है कि जब चुनाव नहीं हो, अभी तो चुनावी मौसम है, सब करेंगे। अच्छा, जब चुनाव नहीं जितना है उससे थोड़ा ज्यादा ही कर देंगे। अच्छा, लेकिन जब चुनाव खत्म हो जाएंगे, वो जीत कर अपने घर बैठ जाएंगे, तब क्या होगा? तो आनंद, आप इतनी सारी राजनीतिक सामाजिक समझ रखते हैं, आप क्यों नहीं पॉलिटिक्स में आते? नहीं, मेरा फिलहाल पॉलिटिक्स में कोई रास्ता नहीं, भविष्य में आए, भविष्य किसी ने देखा नहीं। एक पॉलिटिकल बैकग्राउंड है आनंद जी का, इनकी पत्नी आम आदमी पार्टी से विधायक रह चुकी हैं पटेल नगर सीट से, और इसलिए मैंने सवाल पूछा था, भविष्य में भी नहीं आएंगे या एक परिवार से एक ही आदमी को राजनीति में होना चाहिए? राजनीति के लिए इनको छोड़ा हो, भविष्य देखिए किसी ने देखा नहीं है। एक और बात बता रहा हूँ कि उन्होंने मना भी किया है, लेकिन मैं फिर भी चाहता हूँ कि बताया जाए, बहुजन समाज में इंटरप्रेन्योर की, बिजनेसमैनों की और जो उद्यमी है उनकी बहुत कमी है। आनंद ने बहुत मेहनत की, मुझे बताया नहीं उन्होंने कि क्या है नहीं है, लेकिन एक बिजनेसमैन, छोटा मोटा बिजनेस होगा, मैं जानता हूँ बहुजनों की मैक्सिमम संपत्ति कितने, जिसमें एक भी आपको इससे चौबीस नहीं रहेगा, इसमें चार प्लेन हो, दो चार उसके फार्म हाउसेस हो, और 1,000 करोड़ 2,000 करोड़ वाले बिजनेसमैन को मैं जानता हूँ जो लोग डिक्की से जुड़े हुए हैं। मुंबई में कल्पना सरोज हैं, बातचीत होती है, थोड़ा झिझक रहे हैं। तो क्या लगता है हमारे लोग बिजनेस में क्यों नहीं आते, एक सवाल सबसे बनता है, या उन्हें मौका नहीं मिलता, या वहाँ भी बहुत ये लोग जो कहानी फैलाते हैं कि कोई तेल बेच के पेट्रोल पंप पे अंबानी बन जाता है, कोई कलम बेच के अडानी बन जाते हैं, हमारे लोग क्यों नहीं बन पाते हैं यार, ये सब कहानियाँ हैं। सिस्टम सपोर्ट नहीं करता सर। मेरे दोस्त हैं नितिन, वो वही मुझे कहते हैं कि शंभू ये सिर्फ कहानी है कि रिक्शा वाले का बेटा आईएएस बन गया, इक्का दुक्का अडानी अंबानी कलम बेच के तेल बेच के बिजनेसमैन बन गया, दरअसल सिस्टम उन्हें सपोर्ट नहीं करता है। चूंकि आनंद बिजनेस में है तो उनको इससे बेहतर कौन बता सकता है। बहुजनों में बिजनेस जो है उसमें कोई यूनिटी भी बन रही है, दिख रहा है समाज इस तरह से यूनाइट हुआ है 2 अप्रैल के बाद, थोड़ा फर्क है पहले से। चलिए, एक सवाल वही पिछला हमने इंटरव्यू किया था, जो आपका जो आपने बनाया है फाउंडेशन, उसके एक बार फिर से काम बता दीजिए, क्योंकि हमें अपनी बात बार बार कहनी चाहिए, क्योंकि आपकी बात करने के लिए दोनों टीवी एंड अखबार है, सोशल मीडिया पर ही कहना चाहिए, क्या क्या आपका फाउंडेशन क्या क्या करने जा रहा है? इतना इमीडिएटली तो कुछ भी नहीं है, लेकिन ये है कि हम लोग स्कूल बनाना चाहते हैं, उसमें हमारा मकसद तो वही है कि मैं और मेरे समाज का बेटा या मेरे समाज के जो लोग हैं उनके और उनके बच्चे
बड़े होकर लाइक माइंडेड बने, मतलब हमारा इतिहास। आज मंगल पांडे का तो जन्मदिन मना दिया जाता है, ठीक है, लेकिन जो कौन थे माता दी भंगी उनका तो जन्मदिन कभी नहीं मनाया गया, जबकि पहले स्वतंत्रता सेनानियों में वो थे। तो उनको इतिहास कौन पढ़ाएगा, उस वाल्मीकियों को इतिहास कौन पढ़ाएगा? उनको रामायण की बातें बताते हैं, सिर्फ बताने के लिए रामायण बता दी गई, लेकिन कोई भी आदमी कहीं किसी रामलीला में तो शिकारी जब इतिहास लिखेगा हिरण का तो लिखेगा कि हिरण मोक्ष को प्राप्त हुई। हाँ, ये तो चलिए अच्छा है, भोजन समाज जागरूक हो रहा है, और एक छोटी छोटी कोशिश है, मेरी कोशिश होती है कि हम बहुत बड़ी चीज नहीं कर सकते, छोटी छोटी कोशिशों का बदलाव है कि 2 अप्रैल आपके सामने था, भोजन यूनिटी बन रही है। राजस्थान में 119 शेड्यूल कास्ट के स्टूडेंट ने निर्दलीय चुनाव जीते हैं, और JNU हो, DU हो, देशभर में हर जगह बहुजन समाज अपनी भागीदारी दिखा रहा है, आनंद उसी में करी है। और मैं बहुजन समाज के लोगों से अपील करता हूँ कि छोटी छोटी इस तरह की कोशिश का आप सम्मान कीजिए, हौसला अफजाई कीजिए।